climate control is off. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो एंड ये है गाड़ी का नया नया दिन. दिस इज द फर्स्ट वीडियो इनसाइड माय कार. जब कोई भी गाड़ी लेने की बात आती है तो बहुत ज्यादा रिसर्च होती है एक पर्टिकुलर कार पे एंड दिस वीडियो इज फॉर द वन हु हैव ऑलरेडी बुक द कार एंड द वन हु आर प्लानिंग टू बाय एस्टर सून. उनके लिए ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं. सो डरिए मत, मैं आपको पूरे वीडियो में बताता हूँ. So how old is the brand MG? So MG is the old brand. Abhi ke time mein it is the most running car in Australia and China. So MG car is totally different aur bahut hi badhiya car hai. Ye jo Aster jo hai ye ZST ke naam se Australia aur China mein bahut zyada popular hai. एंड इट इज़ वेरी सक्सेसफुल. जो लोकल ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया में वो उसको टक्कर दे रही है. सो आप ऐसा मत सोचे कि गाड़ी टोटली नई है. एक्चुअली वर्ल्ड में घूम फिर के इंडिया में आई है एंड इट इज़ वेरी सक्सेसफुल कार. इंजन बहुत ज़्यादा टेस्ट हुआ है और पूरे वर्ल्ड में जाके यहाँ पे इंडिया में एस्टर के नाम से सेल कर रहे हैं. एस्टर जो वेरियंट है इंडिया में जो लॉन्च हुआ है वो सबसे ज़्यादा न्यू और लेटेस्ट है. सो यस गाइस, कोई डरने की बात नहीं. ऐसा मत समझो कि गाड़ी नई है टोटली. ऐसा कुछ भी नहीं है, गाड़ी पूरी टेस्टेड है और 2017 से ये गाड़ी लॉन्च हुई है और ऑस्ट्रेलिया मार्केट और चाइनीज मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है ये. इज दिस अ कार अ एसयूवी और क्रॉसओवर? अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन इट्स लाइक अ कॉम्पैक्ट एसयूवी बट ये क्रॉसओवर के सेगमेंट में आती है. क्यों मैं बताता हूँ. क्रॉसओवर का यहाँ पे इसमें सारे फीचर्स हैं और एसयूवी का इस गाड़ी में स्ट्रक्चर है और क्रॉसओवर एज इन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार, द सस्पेंशन, पैची रोड पे बहुत स्मूथली जाएगी ये गाड़ी. सो इट इज अ क्रॉसओवर, नॉट एन एसयूवी. सो इट इज कंसिडर्ड एज अ क्रॉसओवर. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी, जैसे मैंने बताया आपको बाहर के वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है ये कार. इंडिया में एनकैप तो ये गाड़ी का नहीं हुआ है पर वर्ल्ड मार्केट में इसका एनकैप रेटिंग है 5. सो आप कंसिडर करो कि 4 और 5 के बीच में ही रहेगा इसका रेटिंग. सो 3 के नीचे नहीं है. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड अकॉर्डिंग टू सेफ्टी इट्स अ वेरी टफ कार. अगर आप इंडिया का कंसिडर करोगे तो इंडिया का एनकैप रेटिंग थोड़ा टफ रहता है क्योंकि उसमें बहुत सारे रोड कंडीशन आ जाते हैं. तो वो हिसाब से आप पकड़ लो 4 तो आएगा ही. ऑल्सो यस बात करते हैं, इट हैज अ वेरी टेक फीचर. इसमें एडास है एंड एडास के साथ इसमें एआई भी है, एआई बॉट है जो आपको हेल्प करता है कंट्रोल्स में एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वेरिएंट, पर्टिकुलर मॉडल ऑफ दिस एस्टर, इंडिया में जो एस्टर लाई गई है वो टोटली जो 2021 में लाई गई वो टोटली अपग्रेडेड और न्यू टेक से भरी हुई है जो कि लेटेस्ट है. सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फैक्ट. तो यस गाइस, यही सब पॉइंट्स है मैंने कवर कर दिया. गाड़ी के साथ मुझे सिर्फ हार्डली एक वीक हुआ है पर जितना मेरे को पता है उतना मैंने आपके साथ शेयर किया है और मैं इसके साथ ही गाड़ी के वॉक अराउंड, इंटीरियर, एक्सटीरियर सब कुछ, स्पेसिफिकेशंस सब कुछ बताऊंगा अगले वीडियो में. टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग. फॉर मोर अपडेट गाइस प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगा. टिल देन दिस इज योर मानस पटेल ब्लॉग साइनिंग आउट. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.